हाँ जी स्टूडेंट सभी को नमस्कार, एडवोकेट गुरप्यार सिंह फ्रॉम पंजाब, यूनियन ऑफ इंडिया रेलवे वर्सेस अतुल, सभी स्टूडेंट्स के काम आने वाली वीडियो है, शेयर और जरूर करें। लेटेस्ट जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट का, और इसमें क्या हुआ, एक जो अतुल तन नाम का एक शख्स है उसकी जॉब लगी लोको पायलट एज आ रेलवे में, तो उसने जो डिग्री और डिप्लोमा किया था वो यूनिवर्सिटी से किया था, और जब वो सिलेक्शन हुई उसकी तो पैनल ने उसको मना कर दिया भी हम इसको सिलेक्शन नहीं देंगे और पैनल में स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ये डिप्लोमा और जो डिग्री की है वो जिस विश्वविद्यालय से की है वो AICT की, उसके पास अप्रूवल नहीं है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था, काफ़ी ज़्यादा जो बोर्ड हैं, राजस्थान बोर्ड नहीं है और भी बोर्ड जो बिहार के हैं या और समथिंग है, वो मना कर देते हैं भी हम उनको सिलेक्शन में नहीं लेंगे, क्योंकि उनसे AICT की अप्रूवल नहीं थी यूनिवर्सिटी या कॉलेज को। तो इस जजमेंट में राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है भी आप इसको इस चीज़ के बेस पर मना नहीं करते, नहीं कर सकते भी जो इनकी यूनिवर्सिटी है वो AICT स्टेट या काउंसिल से भी विदाउट अप्रूवल इन्होंने डिग्री या डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। पहले भी एक मान्य जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसके ऊपर आ चुकी है, और अभी राजस्थान हाई कोर्ट ने भी क्लियर किया है भी AICT की अप्रूवल जो सिर्फ टेक्निकल जो इंस्टीट्यूशन है उनको ही लेने की ज़रूरत है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी डिग्री या डिप्लोमा करवा रही है टेक्निकल, उसको AICT की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनियन ऑफ इंडिया और रेलवे के इस पटिशन को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज किया और उसको अलाउड नहीं किया, तो जो भी वो बंदा था उसको सिलेक्शन दी गई है इस जजमेंट के हिसाब से। जो मैंने आपको ये जजमेंट बताया, कोई भी इस प्रॉब्लम के फेस से निकल रहा है स्टूडेंट भी, किसी वो AICT की अप्रूवल के विदाउट किसी भी कोई गवर्नमेंट जॉब में लग रहा है उसको नहीं मिल रही, चाहे वो बिली बोर्ड है चाहे वो किसी भी बोर्ड में है, तो वो इस जजमेंट का भी सहारा ले सकता है भी ओनली टेक्निकल यूनिवर्सिटी को AICT की अप्रूवल की ज़रूरत है, ना कि किसी भी यूनिवर्सिटी को। ऐसी जो डिग्रीज डिप्लोमा है जो AICT की अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, वो जो डिग्री है वो इनवैलिड कभी भी नहीं हो सकती, ना वो इनवैलिड है, वो वैलिड ही मानी जाएगी, और कोई भी डिपार्टमेंट उनको जॉब देने से मना नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच।